गाइस, आई एम वैशाली गिगान फ्रॉम वैशाली जी लर्निंग और हम डिस्कस कर रहे हैं वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं वेफर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ द डे इज वेफर क्लीनिंग। हम डिस्कस करेंगे वेफर क्लीनिंग इन डिटेल। तो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ बेसिक्स के साथ। वेफर क्लीनिंग क्यों हम यूज करते हैं? वेफर क्लीनिंग हम यूज करते हैं टू रिमूव द इम्प्योरिटीज। वेफर के ऊपर कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती हैं और अगर इन इम्प्योरिटीज के साथ हमने नेक्स्ट प्रोसेसिंग कर दी वेफर की, तो वेफर से जो हमारी आईसी बनेगी वो खराब हो सकती है, राइट? तो ये हमें डैमेज्ड आईसी दे देगी और डैमेज्ड आईसी के नंबर कम करने के लिए हम क्या करेंगे, वेफर को क्लीन करेंगे जिससे कि नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज इसके ऊपर कम हो जाए। फर्दर प्रोसेसिंग में हमें गुड डाइज और गुड चिप्स ही मिले, राइट? सो वी यूज UHV इक्विपमेंट्स फॉर वेफर क्लीनिंग, राइट? सो इम्प्योरिटीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं वेफर के ऊपर, जैसे कि ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हो सकती है, फोटो रेजिस्ट हम यूज करते हैं। फोटो रेजिस्ट एक मटीरियल है जो फोटो लिथोग्राफी प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। उसके लिए जो मटीरियल यूज करा उसके कुछ पार्ट्स रह सकते हैं वेफर के ऊपर, ये जो पार्ट्स है ये वेफर को डैमेज कर सकते हैं, तो इनको हमें हटाना पड़ेगा। दिस इज द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। अदर देन दैट वी हैव पॉलीमेरिक मटीरियल। पॉलीमेरिक मटेरियल भी वेफर को डैमेज कर सकते हैं। देन मेटालिक पार्टिकल एंड केमिकल ऑक्साइड। सब चीजों को, सब टाइप की इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए वी हैव द डिफरेंट डिफरेंट वेफर क्लीनिंग टेक्निक्स, राइट? सबसे पॉपुलर वेट क्लीनिंग प्रोसेस इज द RCA क्लीनिंग। अब RCA क्लीनिंग को समझने के लिए आप सबने जो अपने घर के अंदर क्लोथ्स वॉश होते हैं इन द वॉशिंग मशीन वो देखा होगा। सो वहां से ही रिलेट करूंगी और मैं आपको समझाऊंगी कि वेफर क्लीनिंग होता क्या है, राइट? सो RCA क्लीनिंग जो सबसे बेसिक टाइप ऑफ वेफर क्लीनिंग टेक्निक है, ये डिस्कवर करी थी वार्नर कर्न ने इन 1965। सो RCA क्लीनिंग प्रोसेस पहली चीज ऑर्गेनिक कंपोनेंट रिमूवल करता है जिससे कि ऑर्गेनिक और पार्टिकल क्लीन हो जाता है। सेकंड ऑक्साइड लेयर रिमूव करता है, ऑक्साइड स्ट्रिपिंग करता है। आयनिक कंटेमिनेशन रिमूव करता है, आयनिक क्लीन करता है, राइट? फ्यूज्ड सिलिका एंड क्वार्ट्ज वेसल्स हम यूज करते हैं यहाँ पर एंड इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड केमिकल्स हम यूज करते हैं। तो ये है कुछ बेसिक्स अबाउट द RCA क्लीनिंग। कमिंग टू द वेफर प्रिपरेशन एंड द पिराना सॉल्यूशन। वेफर प्रिपरेशन क्या होता है? लाइक हम क्लोथ्स को वॉश करते हैं इन द वॉशिंग मशीन, तो पहले क्लोथ्स को प्रिपेयर करते हैं। हाउ टू प्रिपेयर द क्लोथ्स? टू सोक इट इन द वॉटर। सो यहाँ पर भी हम यही करते हैं, हम वेफर्स को डीआयनाइज्ड वाटर के अंदर सोक करते हैं। डीआयनाइज्ड वाटर एक ऐसा वाटर होता है जिसके अंदर अमाउंट ऑफ आयंस आर निल, राइट? इट इज आयंस आर नॉट देयर इन द वाटर। कोई भी आयन नहीं रहेगा वाटर के अंदर, राइट? या बहुत कम, राइट? जो कि नेग्लिजिबल है। तो दिस इज डीआयनाइज्ड वाटर। डीआयनाइज्ड वाटर के अंदर हम वेफर को थोड़ी देर सोक करके रखते हैं, उसके बाद उसका प्रिलिमिनरी क्लीनअप करते हैं। प्रिलिमिनरी क्लीनअप करते हैं पिराना सॉल्यूशन से, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड इज माई पिराना सॉल्यूशन। अब पिराना सॉल्यूशन से प्रिलिमिनरी क्लीन अप करने के बाद हम स्टेप वन में आ जाते हैं। स्टेप वन इज ऑर्गेनिक क्लीन एंड पार्टिकल क्लीन। तो हम यहाँ क्या करते हैं, लाइक डिटर्जेंट से हम अपने क्लोथ्स को वॉश करते हैं, यहाँ पर हम सॉल्यूशन ऑफ 5 पार्ट ऑफ डीआयनाइज्ड वाटर, 5 पार्ट डीआयनाइज्ड वाटर का, 1 पार्ट अमोनिया, 1 पार्ट एक्वस हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको रखते हैं इसके अंदर। हम अपनी वेफर को डालते हैं, वेफर को डालते हैं और फिर टेम्परेचर 75-80 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, 10 मिनट्स तक इसके अंदर रखते हैं। देन उसके बाद स्टेप टू में जाते हैं जहाँ पर हम ऑक्साइड लेयर को हटाते हैं। ऑक्साइड लेयर को हटाना एक ऑप्शनल स्टेप है। अगर ऑक्साइड लेयर है हमारे वेफर के ऊपर तो उसे हटाएंगे, अगर आपके पास ऑक्साइड लेयर वेफर के ऊपर बनी ही नहीं है तो स्किप दिस स्टेप। इस स्टेप में क्या करते हैं, 1:50 और 1:100 सॉल्यूशन ऑफ एक्वस हाइड्रोफ्लोराइड लेते हैं। इट कैन लीड टू कंटेमिनेशन एज बेयर सिलिकन सरफेस इज वेरी रिएक्टिव। तो इसके ऊपर जो बेयर सिलिकन सरफेस है बहुत रिएक्टिव हो जाता है, और अगर हमने इसके ऊपर से ऑक्साइड, नेटिव ऑक्साइड लेयर हटा दिया, तो अब जो सिलिकन हमारे पास वेफर बचेगा वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, राइट? तो कंटेमिनेशन भी हो सकता है इस स्टेप के बाद, राइट? तो यहाँ पर क्या करते हैं, 1:50, 1:100 सॉल्यूशन ऑफ एक्वस हाइड्रोफ्लोराइड में डालते हैं। हाइड्रोफ्लोराइड क्या होता है, ये SiO2 को हटा देता है, ऑक्साइड लेयर को डिसॉल्व कर देता है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, सिर्फ 15 सेकंड के लिए वेफर को इस सॉल्यूशन के अंदर डिप करना है, फिर निकाल लेना है। आयनिक क्लीन के लिए हम क्या करते हैं, 6 पार्ट्स ऑफ डीआयनाइज्ड वाटर, 1 पार्ट ऑफ एक्वस HCl, 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। टेम्परेचर 75-80 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, 10 मिनट्स तक रखते हैं। अब जब ये सब हो जाता है, जब भी हम क्लोथ्स को सारे अपने सोप से, डिटर्जेंट से साफ कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं,
उसको वाटर में डालते हैं, वाटर से साफ करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिंसिंग एंड ड्राइंग। वाटर को ड्राई करते हैं, फ्लोइंग वाटर के थ्रू हम अपने वेफर को फ्लोइंग वाटर के थ्रू पास कराते हैं, राइट। तो जिससे कि सारे केमिकल्स जो बचे कुछ केमिकल्स हैं, बचे कुछ इंप्यूरिटीज हैं, वो सब यहाँ से निकल जाती है। अब ये जो फ्लोइंग वाटर है, हम यहाँ पर हाईली प्योर वाटर रखते हैं, क्योंकि अगर हमने प्योर वाटर नहीं रखा, उसके अंदर आयंस है, उसके अंदर कंटेमिनेंट्स है, तो फिर से वेफर कंटेमिनेट हो सकता है, राइट। और ड्राई करने के लिए हम स्पिन ड्राई यूज करते हैं, जैसे कि हम वॉशिंग मशीन में क्लोथ को स्पिन ड्राई करवाते हैं, यहाँ पर भी स्पिन ड्राइंग यूज करते हैं। कमिंग टू द गैटरिंग, गैटरिंग क्या है? गैटरिंग एक प्रोसेस है जिससे ऑक्सीजन क्या करता है, मेटालिक इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। बैक साइड ऑफ द वेफर इज सब्जेक्टेड टू लेजर एब्रेशन एंड इलेक्ट्रॉन इरेडिएशन। बैक साइड, वेफर के बैक साइड में हम लेजर एब्रेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन इरेडिएशन करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, बैक सरफेस पे डिसलोकेशंस बन जाते हैं, राइट। जब डिसलोकेशन बैक सरफेस पे बन जाएंगे, तो उससे क्या होएगा, मेटालिक आयंस जो होंगे वो बैक सरफेस की तरफ जाने लग जाएंगे। मेटालिक आयंस के लिए, मेटालिक कंटेमिनेशन के लिए बैक सरफेस एक सिंक बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ लेजर एब्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इरेडिएशन ऑन द बैक सरफेस। ये तो हो गया एक्सट्रिंसिक गैदरिंग। इंट्रिंसिक गैदरिंग में क्या होता है, जो मैंने अभी बताया था, ऑक्सीजन को यूज करते हैं, जो ऑक्सीजन क्रिस्टल के अंदर है, वही ऑक्सीजन का प्रेसिपिटेट्स प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टल के अंदर, राइट। ऑक्सीजन जब क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट होता है, कुछ ऑक्सीजन तो SiO2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कुछ ऑक्सीजन प्रेसिपिटेट हो जाता है क्रिस्टल के अंदर, और हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन एट द सरफेस विल इवेपोरेट, बट द ऑक्सीजन डीप इनसाइड द सबस्ट्रेट विल एक्ट एज अ सिंक फॉर मेटालिक इम्प्योरिटीज। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सर्फेस वाला ऑक्सीजन तो चला जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, बट जो डीप इनसाइड द सिलिकन है, जी डीप इन साइड द वेफर ऑक्सीजन है, वो क्या करेगा, मेटेलिक इम्प्योरिटीज को अपने अंदर सिंक कर लेगा। सो कमिंग टू द क्वालिटी मेजर, अब जो चिप बनी है उसकी क्वालिटी के मेजर्स कैसे करते हैं, विद द फिजिकल डायमेंशन, फ्लैटनेस, माइक्रो रफनेस, ऑक्सीजन कंटेंट, क्रिस्टल डिफेक्ट्स, पार्टिकल्स, बल्क रेजिस्टिविटी। हम देखते हैं कि डायमेंशन कितनी बनी है, राइट। हम देखते हैं कि कितना फ्लैट सर्फेस है, राइट। माइक्रो रफनेस कितनी है, माइक्रो रफनेस शुड बी एज लो एज पॉसिबल, ऑक्सीजन कंटेंट शुड बी एज लो एज पॉसिबल, बस इतना भी पॉसिबल नहीं, इतना लो भी नहीं होना चाहिए कि वो गैटरिंग एजेंट की तरह ही एक्ट ना कर पाए, राइट। क्रिस्टल डिफेक्ट शुड बी एज लो एज पॉसिबल, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो एज लो एज पॉसिबल, रेजिस्टिविटी अपनी डिजायर्ड रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड ऑल्सो गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू सो मच।